अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपकी जो असाइनमेंट थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर मैं क्लास से हट के नेटवर्क देती हूँ तो आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है जी। लेकिन आपने बताना ज़रूर है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसके कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क हैं, उसके कितने होस्ट हैं। अब हमने 30 के हिसाब से करना है, तो आप लोग देख सकते हो क्लास सी, ठीक है। ये क्लास सी है, कहाँ से पता चलता है, रेंज से पता चलता है, और रेंज इसमें मैंने आपको बताई हुई है ये क्लास ई से बिलोंग कर रहा है। उसके नंबर ऑफ़ नेटवर्क 24 हैं, होस्ट कितनी हैं, 8 हैं। तो अब ये असाइनेबल आईपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ़ टोटल आईपीज हैं। एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ़ आईपीज जो हैं वो बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क्स। हाँ जी, अब आप खुद देखें कि ये जो 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर n है, ये इज इक्वल टू 8 यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 24 अगर नेटवर्क है, लेट्स सपोज करें स्लैश में 24 होता है, तो ये 24 के हिसाब से 8 होस्ट बचते हैं, और टोटल कितनी होगी 24 प्लस 8 32। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है आईपी वर्जन 4 की टोटल बिट्स, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, और ये 32 बिट्स टोटल होता है। अब असाइनेबल आईपीस निकालने हैं, तो 2 की पावर n माइनस 2 लिखा, 2 की पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 256, माइनस 2 किया तो 254, ये आपके पास टोटल क्या आते हैं, असाइनेबल आईपीस आते हैं। हाँ जी, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन था 30 नेटवर्क के हिसाब से। ओके, नाउ नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर 30 इन दिस आईपी एग्जांपल, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें। सो लेट्स स्टार्ट इट विद 30 नेटवर्क्स। ये स्लैश है, इसको कुछ और चीज़ ना समझ लेना। अच्छा, क्लास सी ही रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ इसकी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो क्लास सी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्लास सी ही रहेगा। नेटवर्क कितने हो गए, 30 नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। होस्ट कितनी हुई, 32 बनाना है हमने, 32 जमा किए, 30 प्लस 2 किए, तो टोटल कितना बनता है, 32, ठीक है। तो ये आईपी वर्जन 4 को इससे हमें पता चल गया कि 2 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं। अब नंबर ऑफ आईपीज इन अ नेटवर्क इसके अकॉर्डिंग थी 30 नेटवर्क्स के हिसाब से 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 टोटल आईपीज बनेंगे, जिसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी एंड असाइनेबल आईपीज तीनों चीज़ें होंगी। अब असाइनेबल आईपी देखें, ये निकाल रहे हैं हम 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, कितनी आई, 2, नॉट इंक्लूडेड नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। इसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं होते। असाइनेबल आईपी का मतलब ही यही है, जो आईपी हम असाइन कर सकें। हाँ जी, अब हमने ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, असाइनेबल आईपी, सबनेट मास्क। ये आपके पास आईपी है, कितने नेटवर्क्स हैं, 30 8 8 8 8, टोटल 32 हो गए। तो हमें पता चल गया 30 किस वाले सेक्शन में लाई कर रहा है। हमने क्या किया, बाकी किसी की बाइनरी नहीं तोड़ी, ठीक है। जिस पोर्शन में आपके नेटवर्क्स बिलोंग कर रहे होंगे, टूट रहे होंगे, आपने उस जगह पे बाइनरी करनी है लाजमी, ठीक है। जैसे कि मैंने अब लास्ट वाले पोर्शन में 30 आ रहा था, मैंने इसमें बाइनरी की 8 8 16 8, कितने हो गए, 24 24 5 6 7 8 9 30 नेटवर्क्स हो गए अकॉर्डिंग टू इसके, तोड़ दिया मैंने। अब बकाया कितने बचे, 2 होस्ट बचे। हाँ जी, अब ये देखें, नेटवर्क आईडी का रूल ही यही है, नेटवर्क आईडी का रूल यही है कि जो होस्ट पोर्शन है उसको क्या कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए। तो मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, जो 1 था उसको ज़ीरो कर दिया, जो 0 उसने तो 0 ही रहना है। अच्छा, अब मैंने कंबाइन करके लिख दिया, नेटवर्क आईडी आपके पास क्या आ गई, अगर इस तरह सारे जीरो हैं तो उसका मतलब भी बेटा एक ज़ीरो ही होता है, तो ये आपकी क्या है, नेटवर्क आईडी है। अच्छा, अब हमने ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है, जो मैंने बाइनरी तोड़ी है इस 1 की, वो इस फार्मूले से तोड़ी है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि 2 से 8 टोटल कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो 0 से 7 8 बिट्स ही होती हैं। तो इसकी बाइनरी कैसे तोड़ेगी, जहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 था, इस बिट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, बाकी सब को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ऑफ कर दिया। तो आपकी बाइनरी ये जो थी यहाँ से आई है, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, ब्रॉडकास्ट आईडी देखें,
ब्रॉडकास्ट आईडी में मैंने क्या किया है, वही चीज़ है सेम जैसे नेटवर्क आईडी निकाली थी, 30 नेटवर्क्स की बाउंड्री लाइन लगाई है। अब जो ये वाला पोर्शन था दोनों को क्या कर देना है, वन, मतलब के होस्ट पोर्शन वंस हो जाएगा, होस्ट पोर्शन वंस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वन कर दिया सेम इसी फार्मूले के मुताबिक। अब देखो ब्रॉडकास्ट आईडी में आप जमा करके लिखना है ये कहाँ पे लाइक कर रहा है, ये और ये बिट ऑन हो गई, ठीक है, 2+1 कितना हो गया 3, तो ये आपकी क्या बन गई, ब्रॉडकास्ट आईडी बन गई। हाँ जी, आप देखें भाई साइनेबल आईपी, नेटवर्क आईडी ऊपर लिखी हुई थी, ब्रॉडकास्ट नीचे लिखी हुई थी। फार्मूले में हमारे पास कितने निकले थे कि टोटल नंबर ऑफ असाइनेबल कितने होंगे, 2, तो आप लोग देखें यहाँ पे ये चीज़ नहीं चेंज होनी, ये होस्ट पोर्शन था 1, 2, 0, 1, 2, 3, इससे ज़्यादा तो नहीं ना बन सकते, ठीक है, गिनती पूरी हो गई। तो टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4 हैं, लेकिन इसमें से 2 जो हैं वो क्या हैं, असाइनेबल आईपीज़ हैं, ठीक है। अब सबनेट मास्क निकालने का क्या तरीका था, 30 बिट्स थी टोटल आपकी आईपी में, कितनी बिट्स थी, 30 बिट्स थी, तो 30 टाइम्स हमने वंस कर देना है, ये दोनों ज़ीरो जो थे 30 के बाहर थे, मतलब के 30 की यहाँ पे बाउंड्री लाइन लग रही थी, इनको सबको वंस कर दिया, इन दोनों को ऑफ कर दिया, तो इनको जमा किया मैंने इसके मुताबिक, ठीक है, जहाँ जहाँ ऑन था वहाँ वहाँ 1-1 लिखें, जहाँ ऑफ है वहाँ वहाँ 0 लिखें, तो ये जमा करके जो आपका कलेक्टिव आंसर सबनेट मास्क आया वो 255.255.255.252 आया, दैट्स इट। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसको पहले ना समझ आई हो, ठीक है, जिसको पहले ना समझ आई हो वो इसको गौर से समझ लें, ठीक है, फिर भी नहीं समझ आई तो फिर गौर से समझें। ओके, अल्लाह हाफिज़।